के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 50 सीएनजी बसों का और 350 प्रखंड स्तर पर एम्बुलेंस का जो है हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बात को कहा कि जातीय जनगणना जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो जाति जनगणना है ओबीसी को लेकर, तो जातीय जनगणना होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर आग्रह किया। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा बयान। पता चला ये काम किया गया, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी, हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस का बात किया गया है, इसमें भी हर तरह की सुविधा है, लोगों के बैठने की सुविधा है और उनके प्रोटेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गांव से भेजना पड़े अस्पताल, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में दो लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है, ये जैसा बताया गया कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी, देख तो उसको भी देखते हुए और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है, एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी, तो ये शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं, तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है तो आप देख ही रहे हैं, ये भी किया गया है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं, 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं, तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस,
ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूँगा कि भाई ये हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हमारी तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। सर एक सवाल है, दैनिक भास्कर के सर दैनिक भास्कर के दफ्तर में देख लीजिए, इसके लिए तो पूरी कार्रवाई हो रही है और आप जानते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता ही है, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दीजिए दुनिया भर को देख लीजिए तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो देखिए एक एक चीज पर पूरे तौर पर नजर रखा हुआ है लोगों का और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली, सारे जगह के डीएम और एसपी या सीनियर एसपी ये लोग भी एक एक चीज को देख रहे हैं और खास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वहां से निकलता है बालू तो उस सब चीजों को भी लोग देख रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं और सबको कब्जा में रख करके और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ है किसी भी चीज़ को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है, जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन टेक्नोलॉजी है आया है तो इसका एक तरफ लाभ भी है और दूसरी तरफ गड़बड़ी भी है। लोगों की चीजों को देखने के लिए नियंत्रित करने के लिए बहुत तरह की बात है तो इस पर तो निश्चित रूप से पूरे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देख रहे हैं केंद्र सरकार ने भी तो कहा ही है, केंद्र सरकार ने तो कहा ही है इसके बारे में कि जो गलत चीजें हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में तो सब लोगों की राय होनी चाहिए कि कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी को भी इस तरह से उसके चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी आई है आप जानते हैं उसका तो दो पहलू है ही, दो पहलू तो हो ही गया है, एक तरफ सबको लाभ है और दूसरी तरफ लोग उसी के माध्यम से नुकसान भी करते हैं। ये चीज़ तो आ गया, आप देखें ऑक्सीजन मामले पर सर बात, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सब जगह की थोड़ी दिक्कतें आई लेकिन उसको फिर से हर तरह का समाधान किया गया है और उसके लिए जितनी तैयारी है कि कोरोना ही नहीं किसी भी तरह से बीमारियों में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारा हो रहा है। अस्पतालों में जो आपका मेडिकल कॉलेज और ये सब है, अस्पताल भी है सब जगह और दूसरे जगहों पर भी पूरे तौर पर तैयारी चल रही है। आप समझ लीजिए अगले महीने में बहुत कुछ पूरा हो जाएगा, कुछ जगहों पर तो पूरा हुआ है लेकिन ये उम्मीद है जो बराबर रोज प्रतिदिन उसके बारे में क्या डेवलपमेंट उसकी रिपोर्ट आती है हमारे पास तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले महीने में पूरे तौर पर ये सब काम हो जाए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी रहे, सब चलिए ना भाई वहाँ ना, उस दिन ना सबको पता चलेगा। ऐसे ही कहा ठीक है सर, ठीक है।